Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we will be starting with your new milestone, Social Science Textbook for Class 3, Chapter 12 and the name of the chapter is, Incredible India. State, Odessa. State ka climate ki baat karte hain sabse pehle. Odessa has a hot and humid climate. River Mahanadi drains this region. उड़ीसा का क्लाइमेट हॉट है और ह्यूमिड है ह्यूमिड उस क्लाइमेट को बोला जाता है जब एयर के अंदर मॉइस्चर होता है यहाँ पर जिस रिवर से पानी आता है उस रिवर का नाम है महानदी अदर मेन रिवर्स दैट फ्लो इन द रीजन आर बैतरानी एंड ब्राह्मणी ऐसा नहीं है सिर्फ महानदी रिवर से ही पानी आता है महानदी रिवर के अलावा भी दूसरी रिवर्स हैं जैसे कि बैतरानी एंड ब्रह्मानी द डेल्टाज़ फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स आर वेरी फर्टाइल इन रिवर्स से जो डेल्टा बनता है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है नेचुरल ब्यूटी उड़ीसा इज़ गिफ्टेड विद नेचर्स बाउंटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलती है इट्स कोस्ट लाइन स्ट्रेचेज़ अप टू फोर हंड्रेड एंड एटी टू किलोमीटर्स

फॉरेस्ट क्लैड हिल्स ईस्टर्न घाट पे अब इतने ज़्यादा चीज़ें हैं तो वाइल्ड लाइफ भी रहेगा पाम ट्रीज़ कोकोनट ट्रीज़ एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द डेल्टास। डेल्टास के आसपास आपको पाम ट्रीज़ कोकोनट ट्रीज़ और मैंग्रोव के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे बात करते हैं उड़ीसा के कैपिटल की द कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज़ भुवनेश्वर The largest salt lake of India, the Chilika Lake, is found in this state. उड़ीसा <coughs> की कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ पर आपको इंडिया का सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है छिलिका लेक उड़ीसा इज लोकेटेड क्लोज टू द बे ऑफ बेंगाल उड़ीसा बे ऑफ बेंगाल के काफ़ी पास लोकेटेड है देअर फोर हैवी साइक्लोनिक एक्टिविटी इज प्रेवलेंट इन दिस एरिया अब क्योंकि ये बे ऑफ बंगॉल के बहुत पास है तो यहाँ पर साइक्लॉनिक एक्टिविटी काफ़ी बार देखने को मिल जाती है द ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉजेज सीवियर डैमेज टू लाइफ क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी एवरी ईयर हर साल यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है क्रॉप्स को लाइफ्स को प्रॉपर्टीज़ को देन कम्स द लैंग्वेज उड़िया इज़ द प्रिंसिपल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उड़ीसा उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज उड़िया है द पीपल हु लिव इन उड़ीसा आर मोस्टली ट्राइबल एंड आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स उड़ीसा में रहने वाले ज़्यादातर लोग ट्राइबल पीपल होते हैं और ये हमारे ओरिजिनल इन्ेबिटेंट्स हैं ईस्टर्न घाट्स के आर्ट्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ उड़ीसा सम ऑफ द आर्ट फॉर्म्स दैट आर यूनिक टू उड़ीसा आर पट्टा चित्र सैंड आर्ट पाम लीव पेंटिंग्स स्टोन कार्विंग गोल्डन ग्रास एंड वर्क पपेट एंड मास्क मेकिंग ये कुछ कॉमन हैंडीक्राफ्ट्स हैं यहाँ के Then comes places of tourist interest. Orissa is rich in heritage and has many remarkable monuments from ancient times. Orissa ki paas kafi zada achha heritage hai, aur monuments hai purane samay se. The architecture of temples, caves, and forest is marvelous. Marvelous ka matlab pohot Acha. जिस तरीके से टेम्पल्स और केव्स और फॉरेस्ट बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं द कोनार्क टेम्पल मुक्तेश्वर टेम्पल जगन्नाथ टेम्पल बारबती पैलेस कांदागिरी केव्स ललित गिरी केव्स एंड उदयगिरी केव्स आर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स केव्स यानी कि के गुफाएँ तो ये सारी गुफाएँ घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है उड़ीसा के अंदर देन कम्स द फेस्टिवल्स ऑफ उड़ीसा

एमिनेंट डांसर्स फ्राम ऑल ओवर इंडिया प्रजेंट लाइव परफॉर्मेंसेस एक ट्रिब्यूट दिया जाता है सन टेम्पल कोनार्क को जिसमें इंडिया के जितने अच्छे अच्छे डांसर्स हैं वो सब यहाँ आके अपना लाइव परफॉर्मेंस देते हैं पुरी बीच फेस्टिवल एंड तरत तारिणी मेला आर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ये दो कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उड़ीसा के नेक्स्ट इज़ द म्यूजिक एंड डांस द यूनिक डांस फॉर्म्स विच हैव अक्वायर्ड इंटरनेशनल फ़ेम आर उड़ीसी एंड छाऊ दो डांस फॉर्म्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलरिटी हासिल करी है ये है उड़ीसी एंड छाऊ उड़ीसा इज ऑल्सो रिच इन फोक प्लेस कौल चत्र लीला नाट नाच तमाशा स्वोंग एंड समाज ये कुछ हमारे यहाँ के फोक प्लेस हैं जो भी फेमस हैं नेक्स्ट इन द लाइन इज आर सेवन सिस्टर्स द सेवन सिस्टर्स ये सेवन सिस्टर्स कोई रियल की बहनें नहीं हैं सेवन सिस्टर्स सात ऐसे स्टेट्स को बोला जाता है जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं इट इज़ अ नेम गिवन टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा एंड मेघालय इन स्टेट्स को मिलाकर बोला जाता है सेवन स्टेट्स अब इसके पीछे रीज़न क्या है दिस रीजन इज़ गार्डेड बाई माउंटेन्स ये पूरे एरिया माउंटेन से कवर्ड हैं सबसे पहली बात द ओनली पैसेज इज़ नैरो स्ट्रीट ऑफ लैंड विच इज़ अबाउट थर्टी किलोमीटर्स वाइड कॉल द सिलीगुरी कॉरिडोर आपने देखा होगा तो इंडिया कुछ इस तरीके का है तो यहाँ पर है ये थर्टी किलोमीटर्स वाइड सिलीगुरी कॉरिडोर। बीनड दिस कॉरिडोर लाई द सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया ईच स्टेट इज़ मोर ब्यूटिफुल देन द अदर एंड हैज़ इट्स ओन कल्चर एंड बिलीफ यहाँ पर ये जो सेवन सिस्टर्स हैं हर एक स्टेट का अलग ही ब्यूटिफुल और है एक से बढ़कर एक है ये कल्चर्स में बिलीफस में पीपल फ्राम वेरियस ट्राइब्स लिव इन दीज स्टेट्स ऑल दीज ट्राइब्स लिव इन हारमोनी विद नेचर यहाँ पे अलग अलग ट्राइब्स के लोग साथ में प्यार से रहते हैं नेचर के साथ द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड हैवी मानसून रेन्स हैव हेल्प्ड टू कंजर्व द रिच फ्लोरा एंड फोना इन दिस रीजन यहाँ का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल टाइप का है अच्छी खासी बारिश होती है जिसकी वजह से अभी भी यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है यानी के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं काफी अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं देर आर वन हॉर्न राइनोज एलिफेंट्स टाइगर्स लेपर्ड्स रेप्टाइल्स बर्ड्स एग्जॉटिक फ्लावर्स काउंटलेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क असम ऑक्युपाइज अब सेवन सिस्टर्स के अंदर सबसे पहला है आपका असाम ऑक्युपाइज द लश्ग्रीन लो लैंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली एंड इज डेंसली पॉपुलेट आसाम काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है ब्रह्मपुत्रा रिवर से कनेक्टिड है ये और यहाँ पर अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है नेक्स्ट इज़ अरुणाचल प्रदेश हैज़ डेंस फॉरेस्ट बट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटिड इतने घने फॉरेस्ट हैं और इस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन स्पार्सली पॉपुलेटिड है इट लाइज इन द फुटिल्स ऑफ द हिमालयाज इट इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन ये हिमालयाज़ के फुटहिल्स में लोकेटेड हैं और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट की वजह से ये जगह मेघालय हैज़ पाइन क्लैड हिल्स एंड ब्यूटिफुल लेक्स इट इज़ फेमस एज़ द वेटेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड मेघालय में पाइन क्लैड हिल्स हैं काफ़ी सुंदर सुंदर लेक्स हैं और ये पूरी दुनिया में फेमस है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश इसी एरिया में होती है नागालैंड्स कलरफुल लाइफ एंड कल्चर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिक्सटीन रेकगनाइज नागा ट्राइब्स दीज सिक्सटीन ट्राइब्स आर डिफरेंट एंड यूनिक इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नागालैंड की जो कलरफुल लाइफ है यहाँ के कल्चर जो है उसमें सिक्सटीन रेकगनाइज नागा ट्राइब्स आते हैं ये जो सिक्सटीन नागा ट्राइब्स हैं ये एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं यूनिक हैं अपने कस्टम्स में भी और अपने ट्रेडिशंस में भी द अदर थ्री स्टेट्स मणिपुर मिज़ोरम एंड त्रिपुरा कंसिस्ट ऑफ ग्रीन वैलीज लश हिल्स एंड अ वायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाकी जो तीन हैं मणिपुर मिज़ोरम त्रिपुरा इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन है लश ग्रीन माउंटेंस हैं वैलीज हैं और वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स भी यहाँ पर है द सेवन सिस्टर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालयन रीजन देयर लोकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एज दे शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश भूटान चाइना एंड म्यांमार सेवन सिस्टर्स फॉर्म करती हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन को इनकी जो लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट है बिकॉज़ ये सेवन सिस्टर्स बॉर्डर शेयर करती हैं बांग्लादेश भूटान चाइना और मैंमार से द एरिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ प्रोन टू अर्थक्वेक्स ये एरिया बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अ एरिया विच हैज़ अ वाइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना तो और अर्थक्वेक्स से प्रोन है यहाँ पे अर्थक्वेक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट स्टेट दैट वी विल टॉक अबाउट इज द स्टेट गुजरात गुजरात की कैपिटल है गांधी नगर यहाँ पर जो रिवर फ्लो करती है दैट इज़ साबरमती लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है तीन गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज़ इन गुजरात गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मेन इंडस्ट्री मानी जाती है अहमदाबाद was कॉल्ड द Manchester ऑफ़ द ईस्ट ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ़ टेक्सटाइल मिल्स दैट were प्रेजेंट इन द सिटी क्योंकि अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में टेक्सटाइल मिल्स ओपनड थी इस वजह से अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता था टुडे गुजरात इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन बेल्स इन इंडिया आज के टाइम में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन बेल्स गुजरात में ही प्रोड्यूस किया जाता है प्लेसेस ऑफ़ टूरिस्ट इंटरेस्ट वॉल्ड सिटी गांधी आश्रम सिद्दी बशीर मॉस्क अक्षरधाम टेम्पल कनकरिया लेक एंड काइट म्यूज़ियम आर वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट्स टूरिस्ट स्पॉट्स होती हैं घूमने की जगह एंड माई फेवरेट पार्ट द सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज़ फाउंडेड बाई सुल्तान अहमद शाह इन फोटीन अहमदाबाद की सिटी बनाई थी सुल्तान अहमद शाह ने 1411 में द काइट म्यूज़ियम वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1985 काइट म्यूज़ियम 1985 में ओपन किया गया था इट कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ काइट्स एंड फ़ोटोग्राफ्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड काइट म्यूज़ियम में अलग अलग तरह की काइट्स हैं और फोटोग्राफ्स हैं पूरी दुनिया से फेस्टिवल्स नवरात्रि Diwali, Holi and Uttarayan, the annual kite festival. Ye common and most important festivals hain. Then comes the dance. Garba is a popular folk dance of Gujarat. Gujarat ka popular folk dance hai Garba. It is performed in a circular form by ladies during the Navratri festival. ये नव गरबा जो है वो सर्कुलर फॉर्म में परफॉर्म किया जाता है लेडीज़ के द्वारा नवरात्रि फेस्टिवल पर द वुमेन प्लेस अ पॉट नोन एज गरबा विद लैंप्स और दियाज ऑन देयर हेड एंड डांस इन सर्कल्स गरबा में जो लेडीज़ होती हैं वो अपने सिर पर लैम्प या दिया के साथ एक गरबा रखती हैं अपने सिर पे एक पॉट रखती हैं और फिर सर्कल में डांस करती हैं

राजस्थान फ्रॉम वेयर आई बिलोंग कैपिटल इज़ जयपुर जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी लेक्स यहाँ पर दो लेक्स हैं पिचोला लेक एंड पुष्कर लेक लैंग्वेज की बात करें तो राजस्थानी हिंदी इंग्लिश पंजाबी एंड सिंधी यहाँ की लैंग्वेज हैं टॉकिंग अबाउट द हैंड इंडस्ट्री हैंडी मेड ऑफ मार्बल आइवरी मेटल एंड स्टोन टाई एंड डाई क्लॉथ प्रेशियस एंड सेमी प्रेशस जूलरी आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ इन राजस्थान राजस्थान का हैंडी क्राफ्ट काफ़ी फेमस है सेमी प्रेशस जूलरीज हैं और यहाँ पर प्रेशियस डाई क्लोथ है टाई स्टोन ये सारी चीज़ों की इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट है राजस्थान में प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट घूमने के लिए जगह सिटी पैलेस हवा महल रामबाग पैलेस जंतर मंतर आर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस ये घूमने के लिए जगह हैं द हवा महल और पैलेस ऑफ द विंड्स इज़ वन ऑफ द प्रोमिनंट टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन जयपुर जयपुर का हवा महल या फिर इसको प्लेसेस ऑफ विंड्स भी बोला जाता है द मेन अट्रैक्शन ऑफ़ द हवा महल इज़ इट्स पिरामिड शेप एंड नाइन विंडोज़ और जेरोजाज विच आर डेकोरेटेड विथ इंट्रीकेट डिज़ाइंस हवा महल में ऑल टुगेदर नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री विंडोज़ हैं जिसे हम झरोकास भी बोलते हैं और इस पर बहुत ही डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस भी बनी हुई है टॉकिंग अबाउट द फेस्टिवल्स तीज गनगौर काइट फेस्टिवल एलिफेंट फेस्टिवल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ये कुछ फेस्टिवल्स हैं यहाँ के डांस फॉर्म्स घूमर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड घूमा फ्लोइंग ऑफ द घाघरा अ लॉन्ग स्कर्ट वोन बाय राजस्थानी वुमेन गेर इज़ अ डांस फॉर्म्ड परफॉर्म्ड बाय मेन ऑन होली घूमर वुमेंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है जिसमें इनका जो घाघरा होता है वो राउंड करके जब फ्लो करता है उसे घूमना बोलते हैं और जो गैर है ये गैर मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है होली फेस्टिवल पर Next state that we will be talking about is Haryana and Punjab. The capital of Haryana and Punjab is Chandigarh, common capital designed by Lee Corbusier. Ye common capital hai dono ki. Rivers and lakes Jhelum, Chenab, Ravi, Satlach and Bias are the main rivers in Punjab. Ye Punjab ki rivers hai. Sukhna lake is a beautiful lake दैट इज़ सिचुएट इन चंडीगढ़ चंडीगढ़ में है सुखना लेक इन हरियाणा रिवर घग्गर इज़ द मेन सीजनल रिवर सीजनल रिवर होती है मौसमी रिवर जो मौसम में फ्लो करती है वरना नहीं करती है टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज पंजाबी हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ की लैंग्वेज है इंडस्ट्री बोथ द स्टेट्स आर प्राइमरली एग्रेरियन वुलन टेक्सटाइल मशीन इंडस्ट्री एंड डेयरी आर फ्लरिशिंग इन बोथ द स्टेट्स दोनों ही स्टेट्स एग्रेरियन है एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है हाल ही में वुलन टेक्सटाइल या फिर मशीन इंडस्ट्री डेरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है धीरे धीरे प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट रॉक गार्डन रोज गार्डन एंड सुखना वाइल्डलाइफ सेंचुरी आर इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट्स ये घूमने के लिए जगह हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़ इज़ अ स्कल्पचर गार्डन इट कंसिस्ट ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉन एंड डिज़ाइन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्ट रॉक गार्डन में इंडस्ट्रियल और अर्बन वेस्ट को यूज़ करके स्कल्पचर्स बनाए गए हैं यहाँ के फेस्टिवल्स हैं गुरुपूरब बैसाखी लोहरी दिवाली एंड होली द फेमस डांस हेयर इज गिद्दा इज़ अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ पंजाब परफॉर्म्ड बाय वुमेन वुमेन के द्वारा गिद्दा किया जाता है यहाँ पे इट इज़ डिराइव्ड फ्राम एन एंशंट रिंग डांस परफॉर्म्ड बाई पंजाबी वुमेन एट सोशल गैदरिंग्स जहाँ पर भी लोग मिल जाते हैं सर्कुलर में ये लोग गिद्दा परफॉर्म करते हैं इट इज़ यूजअली परफॉर्म्ड टू रिदमिक क्लैपिंग एंड बोलियाँ ट्रेडिशनल फोल सॉन्ग्स गिद्दा में आपको बोलियां बोलनी होती हैं और क्लैप करना होता है साथ में भांगड़ा इज़ द मेल काउंटर पार्ट ऑफ गिद्दा गिद्दा वुमेन्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वहीं पे जो मेल काउंटर पार्ट है वो भांगड़ा करते हैं लास्ट स्टेट दैट वी विल टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर इज़ द स्टेट ऑफ केरला कैपिटल इज़ तिरुवनंतपुरम रिवर्स जो यहाँ पे फ्लो करती हैं करामना पेरियार नैर किली बैकवाटर्स ऑफ विलयानी लैंग्वेजेज़ यहाँ पर दो बोली जाती है मलयालम एंड इंग्लिश इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पर फेमस है स्पाइस यानी मसालों की इंडस्ट्रीज सैंडलवुड्स एंड आइवरी आर इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट प्लेसिज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट घूमने के लिए जगह कोवलम बीच पॉनमोडी हिल्स मुकु निमिला हिल्स रिजॉर्ट रेप्टाइल हाउस श्री चित्रा आर्ट गैलरी विक्रम सारा स्पेस सेंटर एंड नैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ़ केरला ये कुछ मेन घूमने की जगह हैं केरला के अंदर द नैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द वेस्टर्न घास्ट घाट्स वेस्टर्न घाट्स के कॉर्नर पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपको मिलेगी नैर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द सेंचुरी इज़ द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द नैयर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ये जो सेंचुरी है ये एक ड्रेनेज बेसिन है नैयर रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ का मैयर एंड कलर मुयर एंड कलर नैयर रिवर की ही ट्रिब्यूटरी के नाम हैं दोनों टाइगर लेपर्ड स्लॉथ बेयर एलिफेंट बार्किंग डियर Bonnet Macau, Nilgiri Langur and Nilgiri Tahar are some of the animals that are found in this century. Pe jo animals milte hai, unke naam given hai. When we talk about the festivals, Yahake main festivals hain Onam, Vishu, Christmas and Eid. Dance forms is Kathakali, Mohiniyattam, Kaliyattam and Teyam are the main dance forms of the state. थेयम इज ऑल्सो नोन एज थियट्टम थेयम को थियट्टम भी बोला जाता है द नेम हैज़ बीन डिराइव फ्राम द वर्ड्स देवियम मीनिंग गॉड एंड आत्तम मीनिंग डांस देवियम का मतलब है भगवान आत्तम का मतलब होता है डांस इन शॉर्ट इट मीन्स द डांस ऑफ गॉड भगवान का डांस शॉर्ट में ही इसका मतलब होता है एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ थेयम इज़ इट्स कलरफुल कॉस्ट्यूम इम्पॉर्टेंट फीचर इस डांस फॉर्म का ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कलरफुल यूनिफॉर्म्स सॉरी कॉस्ट्यूम्स होती हैं द वेस्ट ड्रेस इज़ मेड ऑफ बैम्बू स्लाइसेज एंड इज़ कवर्ड विद रेड क्लॉथ जो वेस्ट कमर के यहाँ से ड्रेस होती है वो बैम्बू की स्लाइसिस से बने हुए होती है और उन्हें रेड क्लॉथ से कवर कर दिया जाता है द बॉडी इज़ यूजली कवर्ड इन वेरियस कलर्स और पूरी बॉडी अलग अलग कलर्स के क्लोथ से Bani hui hoti hai. So, this was our incredible India. This was our chapter also. And if you have any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.